पाकिस्तान के लिए दीज हेडलाइन न्यूज आर डेडिकेटेड टू। लॉकडाउन के बाईस बाजारों सड़कों पर रश कम हुआ, वैक्सीनेशन सेंटर पर रश बढ़ गया, शहरियों के हजूम में कोरोना मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया। शहरियों ने SOPs नजरअंदाज कर दी, मास्क की पाबंदी भी नहीं। कराची में 12 वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे के लिए फाल कर दिए गए। सिविल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर का वक्त रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया। एक्सपो सेंटर, लियारी जनरल अस्पताल, कुरंगी जनरल अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मलीर, खालिक दीनाहाल, डाओ ओझा कैंपस और JPMC में भी शदीद रश। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। दुकानों, सनतों, दफातर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कल से नई बंदिशों का ऐलान। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना से ज्यादा मुतासर शहरों में मार्केट रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हफ्ते में 2 बार बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाजत होगी। दफातर में भी 50% अमला काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा 50% पर लेकर आ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले दिन कहा था सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से फैसले किए गए हैं। हमें एहसास है कि बंदिशों से आम आदमी पर बहुत असर पड़ता है। लोगों की सेहत और रोजगार दोनों की हिफाजत करनी है। मेरा विजन निचले तबके को गुरबत से निकालना है। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोजा ICC नुमाइश की इख्तामी तकरीब से खताब। कहा मलेशिया और दीगर मुल्कों ने 60 की दहाई में पाकिस्तान से सीखा। उस जमाने में हमारे पास स्टॉक बैंकर्स थे। एक छोटा सा तबका बहुत अमीर हो चुका है। खान साहब, आवाम पर रहम करो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लो, पेट्रोल पर टैक्सेस कम करो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखा। वफाकी हुकूमत को गरीब आवाम की मुश्किलात का ख्याल नहीं, अपने अखराजात पूरा करने के लिए पेट्रोल पंप का सहारा लिया गया। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर इजाफा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुताहमल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड हुकूमत की नाहली मुल्क के आगे बढ़ने में रुकावट बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म फकत झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानते। मुल्क भर में महंगाई की शरह जुलाई के दौरान 8.5% के करीब रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में गुज़िश्ता माह टमाटर 82% तक महंगे हुए। आटा, दूध, गोश्त, आलू, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, अंडे, दाल, चना की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 23% रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह तकरीबन 13-13% जा पहुंची। लाहौर में 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.5% से ज्यादा रही। 1 अगस्त को 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,858 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए।
तमाम सिंध हुकूमत मुर्ता वहाब का कहना है कि कल से कराची के एक जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करें। मोबाइल वैक्सीनेशन से शहरियों को मजीद आसानी होगी। मुर्ता वहाब का कहना है कि 1 अगस्त को सिंध में 2,11,000 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। चीन से कैंसाइनो वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन वजारत सेहत के हवाले कर दी गई है। लाल हवेली पर 2 बार फायरिंग हो चुकी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। वफाकी वजीर इत्तला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान सफीर की बेटी से मुतल्लिक अफगान तफ्तीशी टीम पाकिस्तान आ गई है। अफगान तफ्तीशी हुक्काम को जवाब देने के लिए पुलिस तैयार है। मुल्क में बगैर वीजे के हजारों लोग छुपे हुए हैं। करप्शन के खात्मे के लिए ऑनलाइन वीजा सिस्टम शुरू किया गया है। बगैर वीजे वाले लोग ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें। CDA चेयरमैन को इस्लामाबाद में नालों पर तामीरात 30 अगस्त तक क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी है। मुहर्रमुल हराम में हर सूरत अमन अमान बरकरार रहेगा। हराम से मुतालिक जुमरात को अहम इजलास तलब कर लिया है। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए 15 अगस्त को ऑपरेशन की तैयारियां। सामान सीवी पहुंचा दिया गया। KPTA जरा के मुताबिक जहाज को समंदर में टगस और साहिल पर क्रेन से हरकत देने का मंसूबा है। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में तीनों मखसूस नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइक की नशिस्त पर मोहम्मद मदर सईद, टेक्नोक्रेट की सीट पर रफीक नैयर और समंदर पार कश्मीरियों की नशिस्त पर PTI के मोहम्मद इकबाल कामयाब। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुई। PTI को 3, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को खवातीन की 1-1 मखसूस नशिस्त मिली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम जाहिर जाफर को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का मुल्जिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखला ने उम्मीद जाहिर की है कि नूर मुकदम के कत्ल के मुल्ज़िम को सजाए मौत होगी। शेख रशीद ने कहा कि केस में शहादतें पूरी हैं, फैसला अदालत ने करना है। कराची के इलाके करोंगी में 6 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में जेर हिरासत मुल्जिम जाकिर का DNA मैच कर गया। मुल्जिम इससे पहले वारदात का एतराफ भी कर चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्ता वहाब ने कहा कि करोंगी पुलिस ने जल्द केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। उम्मीद है अदली अभी सफाक मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा देगी। पुलिस का कराची की डॉक्टर महाशाह से ज्यादती साबित होने का दावा। DIG ईस्ट का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम का DNA मुल्जिम की लाश से लिए गए नमूने से मैच हो गया। मुल्जिम ने लड़की को अगवा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। DNA के नमूने जामा कराची भेजे गए थे। डॉक्टर महा मुबैना खुदकुशी केस में अदालत में मुल्जिमान की ज्यादती की दफात खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर फर्ज जुर्म आयद करने के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि ऑयल एंड गैस कंपनी एक्जोन मोबिल ने शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ती इस्माइल की बेबुनियाद इल्जाम मुस्तरद कर दिए। अपने खत पर एक्जोन मोबिल का जवाब वज़ीर आज़म हाउस को भेज दिया। शाहिद खाकान और मुफ्ती इस्माइल के इल्जाम पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अली जैदी का कहना है कि करप्ट कार्टूनों ने शरीफ खानदान को बचाने के लिए पाकिस्तान की बदनामी की।
जुलाई में मुल्क की बरामदात सबसे ज्यादा 2.3 अरब डॉलर रही। आईटी के शोबे में बरामदात में 47% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत रजाक दाऊद और मामून खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजाक दाऊद ने कहा कि हमारी पॉलिसी मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की तैयारी शुरू हो गई है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल सनअत पर इंहसार कम हो जाएगा। पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए नजीर चौहान की दरखास्त जमानत खारिज। नजीर चौहान को 14 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। सेशन कोर्ट में नजीर चौहान के शरीक मुलजिम मोहम्मद जावेद की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। अरब पार्लिमानी वफद की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम को खां है, तनाजात के देरपा सियासी हल के लिए मुज़ाकरात को वाहिद हल समझते हैं। अरब पार्लिमानी वफद की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक आजाद और खुद मुख्तियार फलस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल अराकीन मेट्रोपोलिटन के मेयर ओपोजिशन लीडर बहाल कर दिए। बल्दियाती इदारों के सरबराहान ओपोजिशन लीडर की ट्रांजेक्शन कमेटियों में बतौर मेंबर तैनाती। काबीना की मंजूरी के बाद बरतरफ बल्दियाती इदारों को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तोसी। एफआईए ने बैंकिंग जराइम की अदालत में जमानत की दरखास्तें खारिज करने की इस्तेदा कर दी। एफआईए ने शहबाज शरीफ से किए गए सवालात की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं एफआईए के पास पेश रफ्त के लिए कुछ नहीं। पर्चा भी एंटी करप्शन पंजाब के जरिए कराया गया। शहजाद अकबर की पुरानी बातों को दोहरा कर केस को पेचीदा किया जा रहा है। कहा रिंग रोड स्कैंडल पर अपने एटीएम को बरी जिम्मा करार दिलवाया। वजीर दाखला कश्ती में सैर करके आवाम का मजाक उड़ाते हैं। गुजरात के इलाके मुस्लिमाबाद में पिज्जा की दुकान पर गैस लीकेज से धमाका। 3 साल बच्ची समेत 2 अफराद जहाँ पर 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ एक और साजिश। भारतीय बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर न कराने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। खत में भारतीय बोर्ड ने आईसीसी मेंबर मुवालिक को भी कश्मीर लीग के बायकॉट का कहा। तर्जमान आईसीसी का कहना है कश्मीर प्रीमियर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया है। गैर इंटरनेशनल क्रिकेट की मंजूरी या गैर मंजूरी आईसीसी का दायरा अख्तियार नहीं। पीसीबी के मुताबिक लीग में 5 साल से ज्यादा अरसे से रिटायर्ड खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग पर बौखलाहट का शिकार है। अफगानिस्तान के निस्फ से ज्यादा अजला तालिबान के कब्जे में चले गए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों में 15 सूबों में ऑपरेशन के दौरान 450 से ज्यादा तालिबान मारे गए। अमरीकी अखबार का कहना है कि अफगान तालिबान के बढ़ती कार्रवाइयों के सबब हर हफ्ते कम अज कम 30,000 अफगान घर छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी नकल मकानी करके रिश्तेदारों या दूसरे महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल पर जोर देगा। अफगान अमन अमल में मस्बत किरदार अदा करेगा। तमाम फरीकैन को अफगान कौम समझते हैं जो खुद इस मसले का हल निकाल लेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि जब तक तालिबान अमन के लिए आमादगी जाहिर नहीं करते सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। सिक्योरिटी प्लान के तहत आइंदा 6 माह में सूरत हाल काबू में आ जाएगी। वो किसी भी तबाकुन कुवत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे या तालिबान के घुटने मैदान में तोड़ेंगे।
लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदा तयारे से चकरा गया। हवाई जहाज को नुकसान पहुंचा, मुसाफिर महफूज रहे। तयारे को बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। एयरपोर्ट जराए के मुताबिक परवाज ने लाहौर से कराची जाने के लिए उड़ान भरी थी। पेशावर के डेंस ट्रेड सेंटर में दो अफराद के कत्ल के खिलाफ लाहिकीन का एहतजाज। मुश्तल अफराद ने डेंस चौक और एफसी चौक पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में पुलिस कांस्टेबल को नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके जान भाग कर दिया। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल दिलावर खान पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। पिशावर में गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके फ्रंटियर पुलिस के अहलकार को कत्ल कर दिया था। कांस्टेबल आसिफ पोलियो सिक्योरिटी ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 30 जुलाई से मुहिम जारी। नेशनल कोऑर्डिनेशन डॉक्टर शहजाद बेग का कहना है कि रवा साल अब तक एक केस रिपोर्ट हुआ। हर मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाना लाजमी है। वालदेन फ्रंटलाइन वर्कर्स को खुश आमदीद कहें। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत के बाइस शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स आज दूसरे रोज भी बंद। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक मकामी डिपो और कराची से पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना। फैसलाबाद के इलाके चक्र 7GB में मकान की छत गिरने से दो खवातीन और दो बच्चे जां बाग हो गए, 5 अफराद जख्मी। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की दरखास्त जमानत पर समाअत का वक्त तब्दील कर दिया। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने सदर लाहौर बार एसोसिएशन की दरखास्त मंजूर कर ली। सदर लाहौर बार ने कहा कि पहले ड्यूटी जज अली केस की समाअत का वक्त 11 बजे रखते थे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां आज से बहाल। पंजाब के निजी और सरकारी इदारे आज से खुल गए। स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज भी आज से हो गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी स्कूल्स में प्राइमरी तक यकसान निसाब तालीम भी राइज कर दिया। पिशावर में भी गर्मी की छुट्टियों के बाद सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर पिशावर एयरपोर्ट पर 30 और कराची एयरपोर्ट पर 35 मुसाफिरों को परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क फिजाई सफर पर 1 अगस्त से पाबंदी लगा दी गई है। इस्लामाबाद के 600 मकानों में 2000 के करीब कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मकानों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया ने सेक्टर G11-1, G9-4, G10-3, G10-4, F8-1 और F11-3 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की 27 गलियां सील कर दी। इन इलाकों में मेडिकल स्टोर और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। अमेरिका के माहिर मुतअद्दिद अमराज डॉक्टर फायुशी ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के फैलाव के बावजूद अमेरिका में लॉकडाउन का इम्कान नहीं। अमेरिकी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवा चुके, माजी की तरह लॉकडाउन की जरूरत नहीं। कहा गैर वैक्सीनेशन शुदा अफराद डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हाल ही में सदर जो बाइडेन ने कुछ रियासतों में लॉकडाउन का इम्कान जाहिर किया था। तुर्की
दिल्ली की कोरोना गाइडलाइंस के बाइस इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को मुश्किलात। बाद पाकिस्तानी मुसाफिरों ने शिकायत की है कि तुर्क हुकाम ने अपने खर्चे पर 10 रोज क्वारंटीना का कहा, वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सिफारतखाने से मदद की अपील। पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि मुसाफिर आने से पहले तुर्क हुकूमत की कोरोना गाइडलाइन पढ़ लें। तुर्की पहुंचने पर पाकिस्तानियों को 10 रोज का क्वारंटीना करना होगा। ये तुर्क हुकाम की सवाबदीद है कि वो मुसाफिरों को सरकारी खर्च पर ठहराएं या अपने खर्च पर क्वारंटीना की हिदायत करें। पाकिस्तान की कनाडा के साबिक वजीर क्रिस अलेक्जेंडर की गैर जरूरी तबसरे की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि साबिक वजीर का अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार से मुतल्लिक तबसरा गुमराह कुन है। इनके रिमार्क जमीनी हकायक से लाइमी पर मबनी और अफसोसनाक है। वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा कहा, अफगान तनाजे का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान हमेशा अफगान तनाजे के जामे हल की जरूरत पर जोर देता रहा है। ये मामला कनाडा के साथ उठाया गया है। कनाडियन हुकाम पर जोर दिया गया है कि वो बदनीयती पर मबनी मुहिम से निपटने के लिए इकदाम करें। हमास ने इंटर पार्टी इलेक्शन में इस्माइल हनिया को दूसरी बार हमास का सरबराह मुंतखब कर लिया। हमास के मुताबिक तंजीमी इंतखाबात में हजारों कारकुनान ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरे T20 मैच में बारिश बाजी ले गई, मैच मंसूख कर दिया गया। सिर्फ 8 बालें हुई जिस पर वेस्टइंडीज ने बगैर किसी नुकसान के 15 रन बनाए। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच भी बारिश का नजर हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। जंगल क्रूज का एडवेंचर शायकीन को भा गया। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 3,42,00,000 डॉलर्स यानी 5.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए। दीज हेडलाइन न्यूज आर डेडिकेटेड टू